बराही लालपुर थाना भगतपुर में रहने वाली युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भोजपुर क्षेत्र में रहने वाला युवक आदिल पिछले 2 वर्षों से शादी का झूठा झांसा देते हुए उसके साथ संबंध बना रहा है। कई बार युवती द्वारा शादी के लिए कहा गया, लेकिन युवक द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। एसएसपी के यहाँ शिकायती पत्र देने पहुंची युवती से जब बात की गई तो उसने बताया कि जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं बराई लालपुर रहने वाली हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ तो घटना ये हुई है कि आज नाम कर का भोजपुर का 2 साल मेरे साथ रिलेशन में रह लिया था, शादी का झांसा दे रखा था। मैंने उसे शादी करी तो वो मुझे मना करता था, जब मैंने शादी की बात करी तो फिर बोले मैं कर लूँगा, ये है वो है। फिर मैंने पापा को भेजा तो उसने मना कर दी। मना करते करते जो है मुझे कदम ना जाते जेल जाए या मुझसे निकाह करे। किससे, कौन से अधिकारी से मिलने पहुंची आज? मैं एसएसपी से ही मिल चुकी हूँ, डीआईजी से मिल चुकी, कोई मेरी कार्यवाही नहीं कर रहा। थाने भोजपुर तो वहाँ से भगतपुर से। भगतपुर का मामला है? हाँ, भगतपुर का मामला। मैं जाते ही थक गई, भगतपुर में भी कई चक्कर लगाए, वहाँ के ऐसा ना मना कर दिया कि झूठी FIR मैं नहीं करूँगा। तो क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरे से निकाह कराए या जेल जाए, या उससे निकाह होना चाहिए या जेल जाए। बस गलत काम भी किया बनाता रहा 2 साल तक। 2 साल, 2 बार मैंने, 2-3 बार ने प्रेग्नेंट भी करा था, तो करते करते जो है ना बिल्कुल मेरे घर आए नहीं है। 2 साल तक परेशान कर रहा था, हिलने में रखता था, काम अपना निकालता रहा, तो कोई कार्यवाही उसने कर नहीं पाया वो मेरे।